शान भाई है। अस्सलाम वालेकुम। इनको भी सुन लो, इनको कंडे कंडे दे क्या। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची से हैदराबाद की तरफ, और अभी हम M9 मोटरवे पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम हैदराबाद तकरीबन डेढ़ घंटे की ड्राइव है। और मेरे साथ हैं जी वन एंड ओनली हमारे बड़े भाई। माशाल्लाह, तला कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या खा रहे हैं? ड्यूरिंग माई ड्राइव ऑरेंज। क्या बात है। ये पीछे सुहेब है और हसीब है, और ये मार्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा बेसिकली जो जाने का पर्पस है वो कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं, और हमने वापसी पे जो डिनर करना है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हैदराबाद के अंदर सबसे अच्छी फिश कहाँ से मिलती है। तो पूरा व्लॉग आपने देखना है, तो आओ मेरे नाल। वेट कर रहे हैं दोस्तों का, हारिस भाई है, जाफर भाई है, वलीद है, और यहाँ पे फ्रीजे फिश पॉइंट है। ये जगह नान भी बताएंगे कौन सी है हैदराबाद की। ये हैदराबाद में ना गिद्दू चौक है। जब भी आप लोग हैदराबाद की तरफ आए तो ये गिद्दू चौक में फिश बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, और आपके सामने ये फिश बनाते हैं फ्रेश, ज़बरदस्त दोस्तों के साथ ये जगह इंजॉय करने वाली है। हैदराबाद सिटी, ठंडा ठंडा मौसम है, सर्दी दिसंबर के दिन है, और ये फिश पॉइंट, और ये देखिए जी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? दुआए अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। कौन सी फिश है ये? रोहू है सर। यहाँ पे ज्यादा कौन सी चलती है? हमारे पास रोहू चलती है ज्यादातर। ज्यादा रोहू चलती है, और ये हमने देखा ब्रीजे फिश पॉइंट, ब्रीज फिश पॉइंट हैदराबाद का 26 साल पुराना। 26 साल पुराना तुम्हारे घर आएगा। हैदराबाद का ये 26 साल पुराना फिश पॉइंट है, ये ब्रीजे फिश पॉइंट। और अभी चेक करते हैं इनका टेस्ट कैसा है, और फिर साथ आपको भी दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पे लाइव आपके सामने इसकी फिश की कटिंग कर रहे हैं, राउ फिश है ये। आइए सर, क्या कर रहे हो यार? सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही है, ब्लॉग बन रहा है हमारा। बोला आप लास्ट टाइम भी आए थे ना? लास्ट टाइम नहीं, मेरा पहली दफा। अच्छा यार, तो दिखे तो क्यों हुए लग रहे हैं आप? अच्छा, आपका क्या नाम है? आमिर। आमिर, आमिर भाई है ब्रीजे फिश पॉइंट। हम इधर आए हैं ब्रीजे फिश पॉइंट पे सर। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए हमें। अच्छा, ऑटो बार पे कुछ भी नहीं था, तो हमने पता की थी यहाँ पे, तो एक छोटी दुकान थी यहाँ से स्टार्ट किया था। ये पूरी हमारे पास थी 7-8 साल। ये सारी आपकी है टोटल मार्केट? मगर अभी ये रेंट पे थी, तो ये दो दुकान वैसे ये पूरा हमारे पास। आपको पता है जब कारोबार बढ़ जाता है, एक नाम हो जाता है, तो जिनकी जो चीज़ें होती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमें वापसी दे। सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल हो गए हमें, वही क्वालिटी है, वही टेस्ट है, वही टेस्ट। लोग पाकिस्तान तो अपना ही है ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि किस किस्म की फिश मिलती है यार, मोस्टली जो लोग खाते हैं वो भी बताएं। और यही भाई आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये तली हुई फिश भी आप कर रहे हैं, फिर वो तवा फिश होती है एक, तो वो ज़रा बताएं आप। सर मैं गुजारिश करूँ कि जैसे ये अजमल भाई लेकर जा रहे हैं ना पूरा फिश। अजमल ये रोहू फिश है, रोहू फिश है, मगर कहीं भी आपको ऐसे पूरा पीस बना हुआ नहीं मिलेगा। वो ग्रिल है हमारा, बारबेक्यू तो हमने मुतारिफ करवाया था। अभी हमारा
सही जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं बेसन में डुबो के रखते हैं, कराची में भी मिलेगा, यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स हैं वो बनाते हैं। सही, हम बेसिकली कराची से ही आए हैं, बैरी टाउन कराची से। बिल्कुल, तो हमारे दोस्तों का प्लान बना हुआ था फिश खानी है, तो हमें ये गिद्धू चौक है और यहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट जो हमें बताया गया था, तो अभी टेस्ट करते हैं आपका। शुक्रिया। आपको एक ऐसी फिश दिखाता हूँ जो एक दिन पहले दरिया में थी और अभी मेरे हाथ में है और थोड़ी देर पहले मेरे पेट में होगी। रोहू फिश, ये अभी हम यहाँ से लगवा रहे हैं फ्रीजे फिश और ये तैयार होगी यहाँ पे, ये अंकल कटिंग कर रहे हैं इसकी, तैयार होगी फिर हम खाएंगे इसको। चलिए, हमें ज्वाइन किया है हारिस भाई ने, काफ़ी वेट करवाने के बाद आए हैं। यार, हैदराबाद की मशहूर फिश है और ये 26 साल पुराना ये यार। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने हमें वहाँ की भेज दे रहे हैं यार, वो यहाँ से 50 किलोमीटर आप खुद इधर आ गए, हमें वहाँ भेज दिया। आते आते बताया था कि बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, वहीं चले गए, आप लोग यहाँ पे आ गए। माशाल्लाह, भूख लगी है बहुत तड़के की और यहाँ पे फेमस ये पॉइंट है बरीज फिश के नाम से हैदराबाद के अंदर। यहाँ पे हम आए हैं, ये निशान भाई है, इनको कंडे कंडे दे। ये कंडे खाने में मैं माहिर है। ये मेरा दोस्त है, ये काफी देर से मुझे मिस कर रहा था। दोस्त अस्सलाम वालेकुम, दोस्त क्या हाल है? दोस्त है मेरा आरस भाई, इन्हें कंडे खाने ने कंडे खाने ने मशीन ते इन्हें मत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें माशाल्लाह जी, और ये देखो ऐसे क्या बात है मेरे अल्लाह की शान, क्या बात है। ठंडा है का गर्मी का, ये बंदा कौन है, इसका तो तारुफ ही नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम, कितनी लगवा दूँ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, एक बार फोटो सेशन शुरू हुआ है यहाँ पे। जाफर भाई अस्सलाम वालेकुम जाफर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सिगरेट एंजॉय हो रहा है हारिस भाई। जाफर भाई, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, फिश अच्छी थी? हाँ, फिश भी बहुत अच्छी थी। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पेट भर के खाना खाया, पेट भर के। हैदराबाद की मशहूर और मरूफ फिश है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूर दराज से लोग खाने के लिए आते हैं। ये फेमस पॉइंट है यहाँ पे, ये फॉरनर्स भी आए हुए हैं, वो भी यहीं पे खाना, पाकिस्तानी जो है ना फिश इंजॉय करते हैं। जबरदस्त। हेलो, व्हाट्स योर नेम? हेलो, माय नेम इज यान। यान, यान। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम चेक रिपब्लिक। A small country in Europe. Next to Germany. Yes. Okay, okay. Why are you here? We are on our holiday. Oh, okay. We are traveling through Pakistan for 17 days. 17 from days. Islamabad to Karachi. Okay, okay. Which part of Pakistan, which place of Pakistan is your favorite? It's a little bit difficult to say. Many places are nice. Actually, me, I prefer mountains. Mountains. So Hunza or Gilgit-Baltistan is best for me. Yeah. Also, other many places are waiting for our dinner. Dinner. Fish. You like Pakistani food? Great fish pie. You guys like Pakistani food? Yes, sure. Thank you so much. Thank you. Welcome. अच्छा जी, ये बिल्कुल ब्रीजे फिश की बैक साइड पे सौगात है, सौगात शिरी, सौगात शिरी, अजर गलवा, माय फेवरेट गोज वेला, गोज वेला। आप भी बाहर से हैं? हेलो गाइस, हेलो।
हेलो, एक गाजर हलवा मेरा फेवरेट है और ये हैदराबाद से हम एंजॉय करेंगे लाइव। सर टेस्ट बताए ना चेक करके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है सर। एंजॉय एंजॉय। अच्छा राम साहब आप क्या कर रहे हैं, आपको नहीं मिला? नहीं नहीं भाई वेट कर रहा हूँ, वो बहुत देर लाइन पे लगे ना। आप अपना नंबर लें और ये खाएं। इसकी इसकी लें जरा अच्छे से ना, मुझे टेस्ट करवाएं कैसा लगा। कमाल है यार, वाह यार, गुड गुड। सामने आप देख रहे हैं गुलाब पान हाउस, ये हैदराबाद का फेवरेट प्लेस है पान के लिए। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमें, वैसे तो मीठा पान ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा मीठा पान ही है, लेकिन इधर से पूछते हैं कौन कौन सा पान मिलता है। सारे मिलते हैं। पान मिलता है आपसे? मीठा पान स्पेशल है, रेगुलर है, राजा साहब है, सादा बिल्कुल सादा बिल्कुल स्पेशल है, मुलचन है। जाफर भी पान खाएंगे? हाँ मीठा पान है, मीठा पान। बाकी लोग वो वहाँ पे खड़े हैं। ये खाने लगा है खाली 300। ओके okay. कुछ भी हो गया मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओके okay. खाली 300 या गुरु 300? खाली 300। गाली वगैरह भाई चूना छिड़क के मैंने खाना है यार। वो गुलाब पान नहीं होता गुलाब की पत्ती वाला, होगा साथ में कचरे देने आपने भाई क्या कर रहे हो क्या भी जो बोले कुछ गुलाब पान शॉप, यहाँ से हमने पान खा लिया है और बड़ा मजे का हैदराबाद का फेवरेट, हैदराबाद का सबसे अच्छा पान। आप हैदराबाद अगर आए तो आप यहाँ पे लाजमी विजिट करें गुलाब पान शॉप। ये इनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें फोन नंबर। कैसा लगा पान यार? बहुत अच्छा था मीठा पान हैदराबाद की, बड़ी जबरदस्त सुबह। आपने तो 300 खाया? हाँ नहीं नहीं हमने तो मीठा ही खाया ना। हाँ कैसा लगा? मीठा खाया बहुत बेहतरीन था। तेनू कहीं दा लगा जात एडा पैड़ा जाफर भाई दिख रहे। बहुत मजा आ रहा है यार, बड़ा रसीला, बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। वापस आ चुके हैं हम और यहाँ पर हम करते हैं एंडिंग। और अभी काफ़ी मज़ा आया हमें हैदराबाद पे, और आते हुए हमने बॉलीवुड मॉल के अंदर काफ़ी देर टाइम गुजारा है। इसे दोबारा करें वो ये बहरिया का मेन गेट एंट्रेंस आ गई, हमारा घर आ गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।